45 साल का सबसे खतरनाक वाक्या। 45 साल के बाद में ऐसा कुछ घटित हुआ जिसने एक साथ 200 लोगों की जान ले ली, और ये 200 लोगों की जान वो आंकड़ा है जो आपको मीडिया और सरकार। सरकारी पैमाने पर मिल रहा है, लेकिन हकीकत की सच्चाई कुछ और है। इतनी भयंकर हादसा जिसने रूह कपा दी, लोगों के घरों को चंद सेकंडों में उखाड़ कर रख दिया। मैं बात करने जा रहा हूँ, सभी लोगों को पता होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी बताता हूँ, 27 तारीख की 27 सितंबर को शुरू हुआ ये मौत का खेल, जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या हकीकत में हम लोगों का जीवन सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि सारे चारों तौर के ऊपर घटनाएं इतना विकराल रूप लेती जा रही थी, और जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे और भी भवाया, और भी ज़्यादा भयानक सत्य हमारे सामने दिखाई पड़ रहा था, और जिसको सभी लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, डर रहे थे, कांप रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। ये घटनाएं घटित हुई है नेपाल में। नेपाल के अंदर 45 साल के बाद में ऐसा जल प्रलय हुआ है जिसने एक साथ 200 लोगों की जान सरकारी आंकड़ों के अनुसार ले ली है। लेकिन ये हादसे भयानक रूप में इतने ज़्यादा बड़े थे कि जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये डिज़ास्टर अभी तक, फ्लैश फ्लड अभी तक एक नहीं दो नहीं मल्टीपल रिवर्स को इफ़ेक्ट कर रहा था, और इसने जगह जगह के ऊपर ब्रिज ओवरफ्लो, पूरे रेजिडेंशियल एरिया, सभी लोगों को संपूर्ण रूप से डुबो कर रख दिया। लगभग 4,12,000 लोग इस डिज़ास्टर की चपेट में आए हैं, और इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड ट्रिगर हुआ है, इतना ज़्यादा हैवी रेन ट्रिगर हुआ है जो बहुत सालों के बाद में देखना पड़ा है। कुछ इतने लोग गायब हो गए हैं जिनका अभी तक पता ही नहीं लग पाया है, ना तो लाशें मिली हैं ना वो लोग मिले हैं, तो आगे मृत्यु आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, और अभी भी ये घटना थमने का नाम नहीं ले रही। साउथ एशिया कि सबसे बड़ा मॉनसून सीजन रहा है ये, जिसमें सबसे सीवियर फ्रीक्वेंसी के फ्लैश फ्लड देखने को मिले हैं। तो अब आप समझ लीजिएगा कि इंक्रीज हुआ है ये सारा का सारा क्लाइमेटिकल चेंज के कारण। नेपाल का लॉर्ड ब्रेक रेनफॉल 54 साल के बाद में, 54 इयर्स के बाद में, जो मीडिया बोल रहा है 54 इयर्स के बाद में ऐसा रेनफॉल हुआ है, और हमने वैदिक ज्योतिष के माध्यम से आप लोगों को ये बात पहले बताई थी। मैंने कहा था कि चंद्र ग्रहण वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को एक एक बात याद होगी, वही डायरेक्शन इफेक्ट क्यों हुई है, वही डायरेक्शन के ऊपर असर क्यों पड़ा है, क्या ग्रहण के कारण, चंद्र ग्रहण, आपको पता है चंद्रमा जल के कारक को बढ़ाता है, हानि को बढ़ाता है। उसी समय में मैंने नेपाल की बरसात में ही अपना एक बिहार वाला वीडियो भी लाया था, मैंने नेपाल का नाम नहीं लिया लेकिन नेपाल की डायरेक्शन ज़रूर आप लोगों को बताई थी, और बिहार के अंदर होता हुआ ये जल तांडव, हर एक कितने घरों को गंगा जी अपनी चपेट में ले गई, कितने घरों को गंगा जी ने ऐसा कर दिया कि जो रहने योग्य ही नहीं बचे, और कई घर तो ऐसे थे जो गंगा जी के अंदर ही चले गए। लाखों की पूंजी, इतने सालों की मेहनत, सब कुछ तबाह होकर रह गई, और हम लोग केवल और केवल देखते रह गए, विचार करते रह गए कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है और हम उसमें कुछ कर सकते। अब घटनाएं, परिस्थितियां और भी ज़्यादा भयंकर होती जाएंगी। ये क्लाइमेट का असर आप लोगों को ऐसी जगह पर भी देखने को मिलने वाला है जिसमें इस पूरे विश्व का एक ऐसा देश है जो क्लाइमेटिकल चेंज के कारण संपूर्ण रूप से तबाह हो गया है। सारी जानकारी दूंगा अगले वीडियो के अंदर। अब आगे आने वाली ग्रहिक परिस्थिति जिसमें सूर्य ग्रहण बहुत बड़ा कारक बन रहा है आगे विकराल चेंज क्रिएट करने का, चार ग्रह कन्या राशि
एक प्रकार से इस प्रकार की युति बना रहे हैं, क्योंकि चार ग्रहों का एक्टिवेशन जिसमें गुरु, मंगल, सूर्य और केतु हैं, तो केतु और सूर्य की युति जब बनती हुई नजर आएगी, ऊपर से मंगल का प्रभाव भी पड़ेगा और मंगल का प्रभाव उस ग्रहण वाले घर के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा जो भारत की कुंडली में सिक्स हाउस में बन रहा है। तो इसका मतलब है कि विकराल जल प्रलय भारत को भी, कई ऐसी प्राकृतिक बड़ी घटनाएं जो भारत को भी इम्पैक्ट कर सकती हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर भूकंपों का सिलसिला देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार से कल महाराष्ट्र के अंदर हम लोगों को देखने को मिला, और अब आगे आने वाले टाइम में यही परिस्थितियां ग्रहों के कारण बदलाव का एक संपूर्ण समीकरण हमारे सामने लेकर के आने वाली है। और ये इस प्रकार से होगा जो 2025 को निर्धारित करेगा, क्योंकि 2025 के बारे में हर कोई खौफ खा रहा है, 2025 के बारे में हर कोई ये मान रहा है कि ऐसा साल कभी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। 2025 को लेकर के भविष्य मालिका जैसी वाणियों के अंदर, जो संत की वाणियां उनमें भी भविष्यवाणी करी हुई है, तो क्या हकीकत में 2025 के अंदर ऐसा समय हमारे सामने आ जाएगा जो समय सब कुछ समाप्त कर देगा, इस सृष्टि को हनन करेगा, इस सृष्टि को अंत कर देगा। और अगर, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को प्रकृति युग परिवर्तन के चरण के बारे में पहले से बताता आ रहा हूँ, ये बात होगी आपकी आज से तकरीबन चार साल पहले की, चार साल पहले से जो ये सारी घटनाएं मैंने आप लोगों को बताना शुरू किया था उसमें प्रकृति के बारे में, प्राकृतिक युग परिवर्तन के बारे में हमने चर्चा करी थी। कोई सतयुग नहीं, कोई कलयुग नहीं, कलयुग को लेकर के हमेशा भ्रम मैंने खोला, 432,000 साल नहीं, लेकिन अभी भी कलयुग की आयु तकरीबन 10,000 साल तो है ही है, क्योंकि 12,000 वर्ष के बारे में जो बातें, जो गणनाएँ करी गई हैं, वो सारी गणनाएँ हमारे सामने निकल कर के अभी आनी शुरुआत हुई है। अभी हम जगह जगह के ऊपर भगवानों को पूज रहे हैं, भगवानों को मान रहे हैं, घरों में मंदिर स्थापित किए हुए हैं, तो ये तो वो समय आया ही नहीं है जिसमें कलि प्रबल होगा और ईश्वर को पूजना बंद कर देंगे, तो अभी तो वो समय देखना बाकी है। तो 2025 जो डरा रहा है, इसके बारे में पहले भी एक वीडियो आ चुका है आज से तकरीबन 6 महीने पहले 7 महीने पहले, कि 2025 के अंदर ऐसा क्या होने वाला है जो प्राकृतिक विकास से लेकर के इस मनुष्य सभ्यता को हानि पहुंचाता हुआ नजर आएगा या नहीं। अब दोबारे से मैं आप लोगों को उस 2025 के बारे में सारी गणनाएं एक एक पग दर पग बताता हुआ आऊँगा, और उम्मीद है आप लोगों को गणना पसंद भी आई होगी। 29-30 मार्च के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, जिसने नहीं देखा है कृपया देख लीजिएगा। तो अब आगे आने वाले समय के लिए हम लोगों को प्रिपेयर हो जाना है, तैयार हो जाना है, क्योंकि प्रकृति अपना बदलाव का पग बढ़ा चुकी है और आगे एक के बाद एक नई चीज़ें हम लोगों को लगातार देखने को मिलती जाएंगी और मिलती रहेंगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आंकड़ा नेपाल का सच कुछ और है, बयां कुछ और हो रहा है, जिस प्रकार से केदारनाथ के अंदर घटना घटित हुई थी और ये कहा गया था कि केदारनाथ के अंदर केवल 6,000 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन उस समय के अंदर 12,000 तो पुलिसकर्मी वहाँ पर केवल लोगों की सुरक्षा के लिए लगे हुए थे, और कितने लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हुए थे जिस दिन रात को यह आपदा आई थी। तो सच्चाई केवल उत्तराखंड वाले जानते हैं या फिर सच्चाई वहाँ के निवासी जानते हैं, बाकी आंकड़े, मीडिया के आंकड़े तो हमेशा एक कथित तौर के आंकड़े होते हैं जिनको प्रमाणिक तौर कभी भी नहीं किया जा सकता, ना ही उन आंकड़ों की पुष्टि करी जा सकती है। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आ गया होगा, क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच पाए और बिहार के लोग थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखें। अभी समय ठीक नहीं है, 3 अक्टूबर तक का समय कारक बना रहा है मारक का, तो आप लोगों को ये जानकर दुख भी पहुंच रहा होगा, लेकिन ये जानना भी आवश्यक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर।